घटना कोई भी नहीं हुई, इन्वेस्टिगेशन जब चल रही है, किसी का मर्डर हुआ है तो कोई तो दोषी होगा ना। जिस आदमी को पुलिस तफ्तीश के लिए बुलाती है, यहाँ कुछ लोग हैं, चंद लोग हैं, वो कहते हैं ये नहीं है। अगर ये नहीं है तो कौन है फिर? किसी को तो पुलिस ने पकड़ना ना। जब इन्वेस्टिगेशन चलेगी, किसी के ना किसी पे तो किसी ने तो ये क्राइम करा होगा, तो पुलिस बुलाती है, जिसको बुलाती है पुलिस ये बोलते हैं नहीं इसको नहीं लेके जाओ, तो ऐसे इन्वेस्टिगेशन खत्म कर। सर, लोगों की डिमांड ये है कि सीबीआई से इंक्वायरी हो जाए, और दोनों पक्ष यही कह रहे हैं कि सीबीआई इंक्वायरी हो जाए, तो सरकार को क्या आपत्ति? बताइए, आप पढ़े लिखे जर्नलिस्ट हैं, सीबीआई इंक्वायरी डीसी करवा सकता है? नहीं। डिस्ट्रिक्ट में हो सकती है, कोटा में हो सकती है, वो सरकार का मसला, स्टेट गवर्नमेंट का। ये जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, ये जाके इनके जो बड़े बड़े नेता जम्मू में हैं उनको जाके अप्रोच करें। डिविजनल कमिश्नर साहब के थ्रू अप्रोच हमने किया था, भेज दिया। मेरा तुम्हें तो इतना ही इख्तियार है ना, ये जाके मिलें जाके जम्मू में बड़े लोगों को, तो या तो हाई कोर्ट में जाए। यहाँ प्रदर्शन करने से सीबीआई इंक्वायरी नहीं होगी। सर, 144 जहाँ लगी हुई है, लोग फिर भी इतने इकट्ठे हो रहे हैं, तो प्रशासन क्या कर रहा है? तो ये पकड़े नहीं, इसीलिए आज लोग 144 की वायलेशन में ही पकड़े गए हैं।